हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदिश्रुता। सो आज आम स्टार्ट करिबा क्लास 11 हो बा 12 हो बा ग्रेजुएशन हो, समस्त ये पार्ट इंपोर्टेंट अच्छी। कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म जो पल आस दैट सुड बी इन आवर लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट पर ही प्राय कैलकुलेशन हुए, कहीं लिक्विड स्टेट रे आमर कौन हुए जो लिक्विड स्टेट कथा कहते सेठी जदि आम सल्यूसन कथा कह लिक्विड स्टेट सहित रिलेशन होगी सल्यूसन रहीकिना सल्यूसन है लिक्विड स्टेट रे नॉर्मली गोटे सल्यूसन बना सो कहते लिक्विड स्टेट कथा ही कहते क्या चीनी पा लुण पा ये टाइप सबुले सल्यूसन लिक्विड स्टेट को ही इंडिकेशन कै तो सेठी कौन आसे गोटे सल्यूट आ गए सल्वेंट। सल्यूट कौन सल्वेंट कौन सेटा इंपोर्टेंट आस सल्यूसन चैप्टर रे क्लास 12 रे अच्छे आम सल्यूसन तो सल्यूसन रे दुईटा पार्ट आस गोटे तार सल्यूट आ गए सल्वेंट। सल्यूट एंड द सेकेंड वन इज योर सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन कहले कौन कंसंट्रेशन कहले कौन गोटे क्वांटिटी इंडिकेट्स टुवर्ड द क्वांटिटी। क्लियर कंसंट्रेशन तो क्वांटिटी को इंडिकेशन कला तले भी देखिए सल्यूट माने कौन सॉल्वेंट माने कौन कहीं आस तो कंसंट्रेशन रिलेटेड हो सल्यूट यू यू पर भी आसूची तो आमर कौन हुए गोटे क्वांटिटी आम कम नि गोटे क्वांटिटी अधिका नि ओके जमी चीनी पा आ लुण पाटे कथा कह चीनी पा आम चीनी को कम क्वांटिटी पा को अधिका नौ तो से हिसाब से सल्यूट आ सल्वेंट चेंज हो मैंने 9-10 रे पढ़ी थोड़ा या रिलेटेड किसी टर्म भी तुम से भी कन्फ्यूज होधा पिला कन्फ्यूज होती आम जब चीनी पा नौ चीनी सीरा भी आम पा दरकार होट कि पानी क्वांटिट बहुत कम आज कंपेयर टू योर सुगर। क्लियर तो सबुले समस्त माइंड सेट करती आम जो सल्वेंट हिसाब से जोटा को नि सल्वेंट हिसाब से जोटा को नि सब लिक्विड स्टेट रहा दरकार सेम गारंटी ना दैट्स डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी। जदि लेस अमाउंट अच्छी लेस क्वांटिटी अच्छी ताले सेटा हम आम सल्यूट जदि मोर क्वांटिटी अच्छी लार्ज क्वांटिटी मोर और लार्ज क्वांटिटी अच्छी लार्ज क्वांटिटी दैट सुड बी योर सल्वेंट। क्लियर तो बर्तमान जो कंसंट्रेटेड रिलेटेड टर्म आम पढ़ा कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन रिलेटेड टर्म्स जो पढ़ा दैट सुड बी इन सल्यूट आउ सल्वेंट ता भितर कौन रिलेशन आसू सल्यूशन सहित सल्वेंट हो सल्यूट्र तार कौन रिलेशन आसूम ह्वाट आर द इंटर रिलेशन बिटवीन देम कौन कौन इंटर रिलेशन अच्छी तो फास्ट सबुठ सहज है आम परसेंटेज कैलकुलेट करवा परसेंटेज। ओके कंसंट्रेशन आसूसी क्वांटिटी हिसाब से आसूसी केते सॉल्यूशन बनाई आम से केते सॉल्वेंट अच्छे केते सॉल्यूट अच्छे दैट इज द कंसंट्रेशन तो परसेंटेज आगे जावा सब गोटे ट्रिक कह मन रखा आम जिते भी प्राय रिलेशन पढ़ा सब गुड़ाक सॉल्यूट आउ सल्यूसन भितर रिलेशन अच्छे कितु गोटे रिलेशन जोटा कि अच्छे केवल सल्यूट आउ सल्वेंट भितर। क्लियर सल्यूट आउ सल्वेंट भितर अच्छे तो सहीटा विषय केयरफुल केवल गोटे रिलेशन बाकी सब सल्यूट एंड सल्यूसन भितर अच्छे तेल परसेंटेज को देखिए परसेंटेज पुणी चार्टा पार्ट आसू फास्ट आसू डब्ल्यू बै डब्ल्यू मानने मस बै मस परसेंटेज सेकेंड वन इज योर डब्ल्यू बै भि मान डब्ल्यू मान मस एटी मास को इंडिकेशन होउची मास फॉर वॉल्यूम एंड द थर्ड वन इज वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम परसेंटेज एंड द फोर्थ वन वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू मास परसेंटेज। तो सुपर कौन नवा सेमती कहली जमी सल्यूट मास ऑफ सल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन दैट शुड बी इन ग्राम ग्राम हिसाब से ही निजी जेहेतु परसेंटेज कैलकुलेशन करुँच तेणु मल्टीप्लाइड बाय 100 करदे ठीक सेमती मास विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ता माने मास ऑफ सॉल्यूट दैट शुड बी इन ग्राम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ओके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 and that should be in milliliter ml volume by volume that means volume of solute divided by volume of solution into
into 100. Okay, then volume with respect to mass. So yes, volume of solute by mass of solution. Mass of solution. And that should be in your ml milliliter, and that should be in gram into 100 percentage card where achi 100 multiply kar achi. So these are the simple formula. A formula ko phone am class 12 re applicable kariba jetole second chapter padiba solution. So be carefully e guda ko dekhutiba ebam mon rakhiba. Be careful for that. Percentage gola tapre second one mole fraction. Mole fraction परसेंटेज गला मोल फ्रैक्शन को जीवा मोल फ्रैक्शन परसेंटेज तो हम कोन कहले केति की अछि आउट ऑफ गुटे मार्क इनटू 100 सेटा कैलकुलेशन आउट ऑफ माने टोटल हला सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिसि गला सॉल्यूशन सॉल्यूशन रो केति की सॉल्यूट तो सेटा कोन उदले जिम हम परसेंटेज हमर मार्क रो परसेंटेज कैलकुलेट कर जोंदी बर्तन जे मोल फ्रैक्शन तो मोल फ्रैक्शन कोन वर्ड ही तार मीनिंग अछि फ्रैक्शन फ्रैक्शन मींस गुटे न्यूमरेटर रहिबो गुटे डिनोमिनेटर रहिबो मींस 2/3 गुटे एग्जांपल नंबर 2/3 दिस इज द फ्रैक्शन तो एटी सेम द मोल फ्रैक्शन रे हमर फ्रैक्शन काडीबार अछि मींस केते सॉल्यूट अछि डिवाइडेड बाय केते सॉल्वेंट अछि त जोटा कमे जाय बुल इंडिकेशन करा जाय केयरफुली देखो क्रॉस तापर इनकी ताकु गार पकेबा एक्स बेले लिखिबानी फॉर सॉल्यूट सॉल्यूट पय अलगा एंड सॉल्वेंट पय अलगा कैलकुलेशन होबो तो ऊपर नबा कोन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्लियर दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो केते जन भी कोंती सर ई जगह में सॉल्यूशन नहीं परिबू की तले जो आप डिनोमिनेटर को जोटा नहीं चाहिए कैन यू राइट द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन यस यू कैन राइट द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन कहीं ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिसले ही हमारा सॉल्यूशन मिलेगी राइट तो ये गल सॉल्यूट पर जीवा सॉल्वेंट खाली चेंज हो देख पिले कौन ये नहीं आम सॉल्यूट ये बर्तन ना आम सॉल्वेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्लियर सो ये दुटा टर्म गला आहुरी तीन टा टर्म अच्छी ताको गोटे गोटे की देखिबा एवं तांकर इंटर रिलेशन विषय देखिबा एटी किछि इंटर रिलेशन हम करि परियानी परसेंटेज आ मोल फ्रैक्शन ऊपर ओके सो थर्ड टर्म थर्ड टर्म दैट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ ए जो तीन चार्टा मुझे कहली दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट टर्म गुड़ाक सो थर्ड टर्म को आसला हमरो मोलालिटी व्हिच इज रिप्रेजेंट एज स्मॉल एम स्मॉल एम मोलालिटी देन आसला फोर्थ वन मोलारिटी दैट इज कैपिटल एम एंड देन फिफ्थ वन दैट इज नॉर्मालिटी कैपिटल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एठी भी आसीबो मु कहि गोटे फॉर्मूला रे हमें सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट नबार अछि केवल गोटे फॉर्मूला ओके केवल गोटे फॉर्मूला रे नबार अछि तो सेटा को देखिबा तले मोलालिटी मोलालिटी कोन आसुजी ऊपर आसीबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट शुड बी इन केजी केजी हिसाब रे ताकु नबा जदि ग्राम देजी ग्राम देथिले हमकु फास्ट केजी को कन्वर्ट करिबा तापर हम जेबा ताले एटी ट्रिकटा कोन मन रखिबा इयार न्यूमर डिनोमिनेटर जहा रहिबो आ न्यूमरेटर जहा रहिबो ताकु खाली टिके चेंज करिबा इयार न्यूमरेटर जहा इयार बे न्यूमरेटर था सो हियर वी हैव टू राइट द सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
सॉल्यूट डिनोमिनेटर खाली चेंज हो जीवो कौन आसीबो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट शुड बी इन लीटर लीटर हिसाब रे नबा एठी एठी सिमदी तार डिनोमिनेटर समान रहिबो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट शुड बी इन लीटर मोलारिटी वाला नॉर्मलिटी वाला मोलारिटी वाला तीन टा जको किमे मन रखिया मोलारिटी नॉर्मलिटी एल आर एल स्मॉल एम कैपिटल एम कैपिटल एम आगो स्मॉल तापर एक दीटा जको कैपिटल ताले इयार देखिला हमें न्यूमरेटर समान रहला इयार डिनोमिनेटर समान रहला एठी कोन आसीबो एठी आसीबो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्लियर ओके ताकु ठीक हमें मैथमेटिकली एक्सप्रेशन रे रवा सो दैट वी कैन इंटरलिंक बिटवीन देम सो नंबर ऑफ मोल्स कहिले कोन सेटा को ठीक देखिबा सो नंबर ऑफ मोल्स कहिले नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट माने गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट W1 बाय M ओके सो W1 बाय M इनटू 1 बाय W2 वेट ऑफ द सॉल्वेंट W2 ओके एबे जीबा मोलारिटी को जीबा मोलारिटी रे कोन कहला सेही एज यूजुअल नंबर ऑफ मोल तो नंबर ऑफ मोल पे W1 बाय कैपिटल M इनटू एठी आसला वॉल्यूम आसला कोन 1 बाय वी वॉल्यूम वेट बाय मोलर मास इनटू 1 बाय वी वर्तमान जीबा नॉर्मलिटी को जीबा नॉर्मलिटी कैपिटल एन सेठी कोन आसला ग्राम इक्विवेलेंट वर्तमान एठी टिके ट्रिक आसला ग्राम इक्विवेलेंट पुनी कोन इक्विवेलेंट मास हम पढ़िथिले तो एठी से जेमनी कैलकुलेट होबो एठी जेमनी मोलर मास नउथिले एठी ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिया पय हेले ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करिया पय गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास नबा और गिवन वेट नबा ताले हमको ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मिलि जिवो इनटू 1 बाय वॉल्यूम एज यूजुअल वी ओके सो या को ठीक मन रखिबा तांको इंटररिलेशन एपटे हम लिखि दो दैट इज इक्वल टू एम एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम एंड दैट इज इक्वल टू कैपिटल एन नॉर्मलिटी या पोरे गोटे टर्म अछि हमर फिफ्थ एंड द लास्ट वन दैट इज स्ट्रेंथ द लास्ट वन दैट इज स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज स्ट्रेंथ कोन सेटा देखिवार अछि स्ट्रेंथ माने कौन तुम देहर स्ट्रेंथ के तुम उपर गोटे प्रेसर दिया जीवो तुम्हें ताको सहयोग कर पार कि ना इफ यू रेजिस्ट देन यू हैव द स्ट्रेंथ तो से स्ट्रेंथ टाक आम कैलकुलेट कर गोटे ओजन देलापर से किसी सहयोग कर पार कि ना तो ये सेम आसो वेट पर वॉल्यूम तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूट वेट ऑफ सॉरी सॉल्यूट सॉल्यूट दैट शुड बी इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट शुड बी इन लीटर ओके ताले वर्तमान स्ट्रेंथ आउ हमर मोलर मास सॉरी दिस इज योर मोलालिटी स्मॉल एम एल आर एल मोलारिटी नॉर्मलिटी ओके स्मॉल एम सहित तो रिलेशन बाहर किंतु कैपिटल एम सहित रिलेशन बाहर माने मोलालिटी सहित रिलेशन बाहरी पार आमर है मोलारिटी सहित रिलेशन बाहरी पार मोलारिटी सहित कौन रिलेशन अच्छी W1 बाय वी दैट इज इक्वल टू W1 बाय वी इनटू 1 बाय एम इनटू 1 बाय एम राइट ताले आमर कौन आसला मोलारिटी दैट इज कैपिटल एम इज इक्वल टू
इज इक्वल टू वन बाय एम माने गिवेन वेट कौन देते आम मास नहीं व्हाट इज द मोलार मास ऑफ दैट सब्सटेंस मोलार वेट लिखी दूचे डायरेक्ट मोलार वेट इनटू डब्ल्यू वन बाय बी माने वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज स्ट्रेंथ ये गोटे रिलेशन आमको मिलला सो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू मोलार वेट मोलारिटी इनटू मोलार वेट ये गोटे रिलेशन इंपोर्टेंट रिलेशन मन रखिया ताकू डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करिया न्यूमेरिकल देइथिबो स्ट्रेंथ ये गला मोलारिटी सहित बर्तमान जी नॉर्मलिटी सहित दैट इज ऑल्सो डब्ल्यू वन बाय बी इनटू वन बाय एम वन ओके वन बाय एम वन एंड व्हाट इज एम वन दैट इज द इक्विवेलेंट वेट आज जेहतु मोलार कथा कहते तेनाली आसीज कौन मोलार इक्विवेलेंट वेट मोलार वेट गोटे सेमती मोलार इक्विवेलेंट वेट ताल एटी कौन आसला सो स्ट्रेंथ फॉर नॉर्मालिटी इज इक्वल टू नॉर्मालिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट गोटे रिलेशन आमर आसला and you have to remember these two equation for strength calculation directly from the molarity and normality ye ase to kimdi relation da asuji mcq re important question eta ase bhi pare okay so aji thila amar concentrated related terms upare I hope samastanku bujha padithibo to ya related numerical ame gote lecture create kariba full numerical kariya sabuthir gote gote example neki kariba jota ki 12 पिला भी यूजफुल हम आम तो 12 रो पुणी स्टार्ट करा भी बर्तमान जो चैप्टर चलती सॉलिड स्टेट सरला पुणी 12 रे भी आम पिला पढ़े तो 11 रु जब प्रैक्टिस करथिबा दैट विल बी इजी फॉर अस इन 12 ओके सो टिल देन थैंक यू बाय बाय एंड टेक केयर।